हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको FRP का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री बताया गया था। आज हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ FRP कि FRP का कहाँ कहाँ यूज होता है। FRP प्रोडक्ट का यूज हमारा बहुत जगह होता है। फर्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट यूनिट में भी मैंने बताया था कि मैराइन एप्लीकेशंस हमारा ज़्यादा रहता है, तो सबसे पहले हम मैराइन एप्लीकेशन ही ले लेते हैं। मैराइन एप्लीकेशन मतलब कि जलीय। अब जलीय में आपका, जैसे जल में आपका सबसे पहले क्या चलता है, आपकी बोट रहती है, तो यानी कि बोट का जो आपका बेस वगैरह रहेगा तो आपकी ट्रे बोर्ड और स्विमिंग कॉस्ट्यूम, वो भी आपने देखे होंगे आपके प्लास्टिक सीट्स रहती है, तो उसमें भी हम क्या होते हैं अपने कुछ फाइबर्स वगैरह मिस करते हैं। जहाँ आपने प्लास्टिक में फाइबर्स को मिस किया वो आपका फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक कहलाता है, तो आपका क्या हो गया स्विमिंग कॉस्ट्यूम। और आपके प्रेशर वेसल, सेफ्टी वॉल्व, इस तरीके के, यानी कि कई बार क्या होता है जो बेस होता है, बेस ऑफ बोट, इसमें भी यूज कर लिया जाता है। तो मैं आपके जितने भी पानी से रिलेटेड आपका जहाँ जहाँ प्लास्टिक होगा वहाँ आप समझ लीजिए वो आपका FRP प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। फिर मैंने बताया था कि आपके जितने स्विच वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी हमारा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकली हमारा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आपके जितने स्विच होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा, उसकी जो बॉडी होती है उसको बनाने में। अब क्या है, जैसे कि आपने क्या, हमने क्या बोला इलेक्ट्रिकली मशीन, अब इलेक्ट्रिकल होगा तो यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर तक आपका मटेरियल मेल्ट ना हो इस टाइप का हम फाइबर वगैरह उसमें मिक्स करके हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इस तरीके के आपके हो गए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। थर्ड आपका कहाँ यूज़ किया जा सकता है, एरोस्पेस एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताया था। एरोस्पेस में आपके सेफ्टी वॉल्व हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेक, आपका सेफ्टी हेलमेट है, तो इस टाइप के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आएंगे इन सबको बनाने के लिए रेनफोर्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। फोर्थ आपका केमिकल एप्लीकेशंस, यानी जो आपके इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वहाँ पे हमारे मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल के कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आपका वाटर टैंक है, पाइप है, हाई स्टोरेज एसिड टैंक है, रॉकेट टैंक, जो रॉकेट होता है वो भी तो आपका प्लास्टिक में मटेरियल, तो रॉकेट टैंक, केमिकल कंटेनर, इन सब में हमारा केमिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। और अगर हम डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज ना करें, तो आप देखेंगे डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में आपकी जो सीट बनती है फाइबर सीट, वो आपकी रेनफोर्स प्लास्टिक है से बनती है। आप
लैमिनेट सीट आपकी रहेगी। डोमेस्टिक में अगर हम बोले तो कई तो अब टॉयज भी हमारे बनने लगे हैं, टॉयज रहेंगे आपकी। अब तो बेसल्स भी आने लगे हैं, मतलब कि जो घर में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से डोमेस्टिक में आपके बहुत से हो गए बेसल्स, यानी मतलब कि किसी भी टाइप का कंटेनर वगैरह, तो बहुत से ऐसे हैं कि जो कि हमारे FRP प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जाते हैं। थैंक यू।